छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला लिया। सांगानेर से पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। भजनलाल की गिनती बीजेपी के उन नेताओं में होती है जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। आपका जो बेटा है भजनलाल वो आज मुख्यमंत्री बने राजस्थान के। हाँ जी, मुख्यमंत्री बने। कैसा लग रहा? उम्मीद थी? बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान की मर्जी। उम्मीद थी आपको? उम्मीद देखो, हम सब का चुना है भाई, छोटा सा कार्तिकाल का बच्चा है। अच्छा, हाँ। हमें संघर्ष किया? नहीं, संघर्ष कितना किया? भगवान की कृपा है, मालिक की। और उनके पिताजी भी हैं, थोड़ा सा दिखाऊंगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन है भैया, किशन लाल। क्या लग रहा है, आपके पुत्र बन गए मुख्यमंत्री? भैया भगवान की मर्जी है, सब ईश्वर की मर्जी, आप लोगों की मेहरबानी है। कितना संघर्ष किया भजन लाल ने आपके? बहुत बहुत करो। आप उम्मीद थी बन जाएंगे मुख्यमंत्री? भगवान। मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर सभी विधायकों ने अपनी सहमति जता दी। सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजनाथ सिंह के पास कॉल आया। इसके बाद एक पर्ची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथ में दी गई, जिसमें राज्य के होने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम था। जयपुर में रहने वाले भजनलाल शर्मा मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं। वो फिलहाल बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। वो लगातार 4 बार से महामंत्री हैं। यानी शर्मा को पार्टी संगठन में अहम भूमिका निभाने का इनाम मिला है। बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़वाया था, जहां से मौजूदा विधायक अशोक लाहौटी का टिकट काटकर भजनलाल को प्रत्याशी बनाया गया। भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 से ज्यादा वोटों से हराया। सोशल मीडिया पर शर्मा की पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्के समर्थकों में होती है। अगर शिक्षा की बात करें तो भजनलाल पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। भजनलाल के पास 1,46,00,000 की संपत्ति है, जबकि 35,00,000 रुपए की देनदारी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की मजबूत दावेदार मानी जा रही दिया कुमारी को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। साथ ही दूदू से विधायक प्रेमचंद बैरवा को भी डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। इसके अलावा वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष पद संभालेंगे। और मैं आश्वस्त हूं कि त्रिभजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने त्रिभजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। इस ऐलान से पहले दिल्ली से आए तीनों पर्यवेक्षकों राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे के साथ चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बीजेपी के कई नेताओं से अलग अलग कमरों में मुलाकात की। बताया तो यह भी जा रहा है कि गुटबाजी की संभावनाओं के मद्देनजर बीजेपी ने प्लान बी भी तैयार रखा था, जिसके तहत चुनाव जीतने वाले 8 निर्दलीय विधायकों को जयपुर बुलाकर एक होटल में रखा गया था। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें बीजेपी ने 115 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। चुनाव आज तक।